हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज हमारी पहली वीडियो है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, और ये क्लास जो हमारी इकोनॉमिक्स की है वो प्योरली डेडिकेटेड 12th क्लास को है, जिसके अंदर हम पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर एक टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आज आपका लेक्चर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसके अंदर हम पहले थोड़ा सा देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा फर्दर वीडियो को आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो सबसे पहले क्या है इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले किसको जानना जरूरी है? इकोनॉमी को जानना जरूरी है, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स। यानी कि इकोनॉमी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। यानी सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद किन किन को कितना कितना सामान देना चाहिए ये इसमें हम देखते हैं। ये आपको हर जगह मिलेगा। यानी कि अगर एक शॉर्ट में बताना चाहूं तो जो भी आप अपने आसपास देखते हो, जहां पर भी लोग अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया की वो क्या कहलाई जाती है? इकोनॉमी कहलाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड है। सबसे पहले प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगा, इंडस्ट्रीज होगी दुनिया भर की, ठीक है। चाहे वो किसी भी हो सकती है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी कंजम्पशन गुड्स के लिए हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री हो, बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री हो। तो इंडस्ट्री किसी भी चीज की हो सकती है जहां पे क्या होता हो, प्रोडक्शन होता हो, उसके बाद एज वेल एज उसी बनाए हुए गुड्स और सर्विसेज का क्या होता हो, डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, ठीक है, बाय डिफरेंट एजेंट। डिफरेंट एजेंट्स का मतलब है यहाँ पे कि अलग अलग लोग। फॉर एग्जाम्पल ये एक होलसेलर होता है, होलसेलर से सामान कौन परचेज करता है? रिटेलर। और रिटेलर से कौन परचेज करता है? कंज्यूमर। तो होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर तीनों ही पार्टी एक जगह पे अवेलेबल नहीं होती। होलसेलर कहीं और होता है, रिटेलर कहीं और होता है, और कंज्यूमर कहीं और होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी का इन शॉर्ट मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जहां पे प्रोडक्शन भी होता हो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता हो गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग एजेंट्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोडक्ट की आपकी फैक्ट्री हो सकती है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री हो सकती है, शुगर इंडस्ट्री हो सकती है, चीनी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो एक इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां पे भी कोई भी काम हम अपनी अर्निंग के लिए कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो अपनी लिविंग को चलाने के लिए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स। यहां से हमें पता चल जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस। इकोनॉमिक्स अगर मैं सिर्फ इसी लाइन को ही ट्रांसलेट करूं तो क्या मतलब होगा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी होती है जो आपकी स्कैर्सिटी और चॉइस को क्या करती है? स्टडी करती है। अब ये दो चीजें क्या होती है, स्कैर्सिटी और चॉइस? स्कैर्सिटी का मतलब होता है, स्कैर्सिटी का हिंदी मतलब होता है कमी होना, यानी कि जिसकी डिमांड ज्यादा हो एज कंपेरिजन टू इट्स सप्लाई, ओके। और चॉइस का मतलब क्या होता है कि उसी में से कुछ ना कुछ चूज करना, चयन करना, अगर मैं हिंदी में बोलूं एकदम टिपिकल हिंदी में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दी स्कैर्सिटी एंड चॉइस। जो भी हमारे पास स्कैर्सिटी है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पे कम है, उसमें से ऐसा क्या चूज करना जो हमें क्या से दे सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दे सके। उसके बाद एक और डेफिनेशन निकल के आती है, इट फाइंड्स वे ऑफ रिकंसाइलिंग अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि ये क्या करती है, अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या करती है, रिकंसाइल करती है, उसको आपस में जोड़ती है। यानी कि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज आपको पता है अनइवन स्प्रेड है, कहीं पे कुछ ज्यादा है, कहीं पे कुछ ज्यादा है, इक्वली आपको हर चीज कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि वांट्स आपके जो है अनलिमिटेड है, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्स में से अनलिमिटेड वांट को कैसे हम लोग कोप अप करें, कैसे हम उसको मैनेज करें, क्या चीज को छोड़ा जाए, क्या चीज को गेन किया जाए, क्या चीज सेक्रीफाइस की जाए, क्या चीज गेन की जाए, सब हमें क्या सिखाता है, हमारा इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या चीज सीखेंगे, क्या पॉलिसीज बनती, सब कुछ हमारी इकोनॉमिक्स से ही डिपेंड होती है। कंट्री का ग्राफ ऊपर जाना, ग्राफ नीचे जाना, डेवलपमेंट का ग्राफ ऊपर जाना, सब कुछ कहां पे डिपेंड है, आपके इकोनॉमिक्स पे ही डिपेंड है। और आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है आपके? एडम स्मिथ, जिन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स आपकी टू टाइप्स की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखें, माइक्रो और मैक्रो को देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंस किस चीज का दिखेगा? डिफरेंस आपको दिखेगा एक आई का और एक ए का, बाकी पूरी की पूरी स्पेलिंग क्या है यहाँ पे सेम है, माइक्रो की भी और मैक्रो की भी। अब
आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। यहीं से हमें पता चला कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किस चीज की स्टडी करती है, किसी भी इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक सिचुएशंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वर्ड यहां पे आ गया एग्रीगेट, यानी कि ये पूरा एग्रीगेट पूरे देश पूरी कंट्री एज अ होल को यहां पे क्या करती है सिचुएशन और जो भी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको यहां पे डिस्कस करती है और उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करती है। लेट सपोज अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये होगा मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेरी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, आपकी फ्रेंड की प्रॉब्लम, आपकी मम्मी की प्रॉब्लम, आपके पापा की प्रॉब्लम, क्या कहलाई जाएगी, इकोनॉमिक्स कहलाई जाएगी। बट अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है मेरा पूरा देश, कि अब मैं इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम सफर कर रहा हूं मेरा देश किस लेवल पे उसको सफर कर रहा होगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट लुक्स एट इश्यूज सच एज कंज्यूमर बिहेवियर लेबर मार्केट एक्सेट्रा, यानी कि जो भी छोटे मोटे नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर की सारी प्रॉब्लम, लेबर मार्केट, लेबर आप लोग जानते हो जो प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, और भी कई सारे होते हैं, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, मार्केट हो गए, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गए, ये सारे की सारी कहां पर आती है, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट लुक्स एट एग्रीगेटिव वेरिएबल सच एज एडी स्टैंड फॉर एग्रीगेट डिमांड, एएस एग्रीगेट सप्लाई, गवर्नमेंट बजट एक्सेट्रा, यानी कि ये आप जब बात ही हम एग्रीगेट की कर रहे हैं तो हर वेरिएबल के आगे एग्रीगेट तो लगना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, डिमांड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सप्लाई की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, सिंपल है। गवर्नमेंट बजट यानी कि वो बजट, आपको पता है कि हर साल फेब में एक बजट इंट्रोड्यूस होता है, तो उसकी भी एनालाइज, उसके बारे में भी जो स्टडी करते हैं वो इस इकोनॉमी के अंदर होती है, कि कितना फंड किस सेक्टर को देना है, किस सेक्टर से फंड लेके आना है, किस सेक्टर पे इंप्रूव करने की जरूरत है, किस सेक्टर को और डेवलप्ड करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इट अज्यूम्स मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि बच्चों जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानते हैं। और ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है कि अगर हम किसी एक पैरामीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसके आसपास उससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सबको हमें क्या करना होता है, सबको हमें कॉन्स्टेंट मानना होता है, जिससे कि उनका इफेक्ट इस चीज पे ना पड़े, क्योंकि रियल लाइफ में जो इकोनॉमिक्स होती है वो काफी डिफरेंट होती है। ठीक है, और सेम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स हमारे क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए, यानी कि अगर हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो आपका बजट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये सब क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट। और अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि डिमांड, कॉस्ट, रेवेन्यू एक्सेट्रा, ये सारे क्या होने चाहिए, हमारे कॉन्स्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ एक जस्ट बेसिक था, एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बट ये आपको समझना इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता चले कि हम एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसके बाद चलते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ आपको। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ही आपका क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इसके अंदर हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो कुछ हम आगे आने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली टर्म्स हो सकती है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। काफी इजी चैप्टर है, वैसे तो पूरी इकोनॉमिक्स ही इजी है, बट फिर भी बच्चों ने हवा बना रखा है कि इकोनॉमिक्स टफ है, ये है वो है, बट सीरियसली इकोनॉमिक्स आपका बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्टिंग भी है, आपका मन भी लगा रहेगा। ठीक है,
तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आपको आज लिटरली हल्का हल्का बता देता हूँ, जैसे कि क्या हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गुड्स बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं, वैसे मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको, कौन से, फाइनल गुड्स, ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स। इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, फाइनल गुड्स क्या होते हैं आपके अंतिम वस्तु है, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं आपके मध्यवर्ती वस्तु है। तो अंतिम वस्तु है यानी कि फाइनल गुड्स, वो गुड्स होते हैं जिसके आगे अब हम और क्या नहीं कर सकते, इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या फिर इसमें हम और वैल्यू एड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, कि इसके हम कुछ बस फाइनल वैल्यू वो निकल गया, उसके बाद हम उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते और कोई भी वैल्यू एड ऑन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक मार्कर है, इस मार्कर से आप और कुछ क्या बना सकते हो, कुछ बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि मार्कर फाइनल आपका गुड है। इसके बाद इसको डायरेक्टली हम कंज्यूम करेंगे, इसको डायरेक्टली मैं इस बोर्ड पे यूज करूंगा। बट इन केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये वो गुड होते हैं जिसमें प्रोडक्शन करने की गुंजाइश कहीं ना कहीं बच जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं बचने से मतलब है कि अभी भी इसमें हम कुछ वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रेड का एग्जाम्पल लू, ठीक है, ब्रेड को अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, गर्म कराओ, चाय में डुबो के हम लोग खा गए, तो वो क्या होगा हमारे लिए, फाइनल गुड होगा, ठीक है, वो हमारे लिए फाइनल गुड होगा। बट इसी ब्रेड को अगर हम क्या करें, इसी ब्रेड को हम कन्वर्ट कर दें पकौड़े के अंदर, पकौड़ा के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, अब ये ब्रेड हमारे लिए क्या हो गया, अभी इंटरमीडिएट, क्योंकि ब्रेड अभी तक ब्रेड नहीं रही, अब इसको ब्रेड को हमने यूज करके उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के हमने उसको क्या बना दिया, पकौड़ा बना दिया, तो उससे क्या होगा, ये फाइनल गुड अब हुआ, यानी कि इसमें जो वैल्यू पहले थी, इसमें कुछ वैल्यू को ऐड करा और फिर उसके बाद ये क्या बना, आपका फाइनल गुड बना, यानी कि इंटरमीडिएट गुड आपका क्या है, इसमें कुछ वैल्यू एड ऑन की जाती है या इसमें अभी भी कुछ और प्रोडक्शन की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो यही है, बाकी कॉन्सेप्ट इसके अंदर और भी है, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे एलाबोरेट कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।